नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश पांडे आप सब के लिए आज एक फिर से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने स्टेमिना को कैसे इंक्रीज करें, क्योंकि अक्सर जब आप रनिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़ी बहुत रनिंग करते हैं और थक जाते हैं। तो आज इसी से रिलेटेड मेरा वीडियो रहेगा, पूरी आखिरी तक देखिएगा। और मैं आपको एकदम देसी नुस्खे बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि बस ये कह दिया वो कह दिया उसका सुन लिया इसका कुछ नहीं, मैं तो अक्सर ऐसा ही वीडियो बनाता हूँ जो ओरिजिनल होता है। आज मैं आपको देसी नुस्खे बताने वाला हूँ, ठीक है, जो मैं खुद अपने पे आजमाता हूँ। रनिंग से मामले कोई भी तरह की दिक्कत हो तो बेहिचक आप हमारे चैनल पर आकर कमेंट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आप क्या चीज खाएं ताकि आपका स्टेमिना बना रहे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप रात में सोते हैं, ठीक है, देखिए मैं जो बात बता रहा हूँ अक्सर ये सब बात नहीं बताएगा, ठीक है, ये देसी नुस्खा है क्योंकि मैं आजमाता हूँ तो बस वही आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि जब रात में आप सोते हैं तो आप जितना चना खा सकते हैं, ठीक है, जैसे मुट्ठी से इतना चना आप दे देंगे, ठीक है, तो वो चना को जब आप देंगे फूलने के लिए तो उसको पहले 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लें, ठीक है। धोने के बाद जो भी होगा गंदगी निकल जाएगा। उसके बाद उसमें लगभग आप जो है 300 से 400 ml तक पानी देंगे, ठीक है। पिस्ता बादाम जो आता है, ठीक है, वो 700-750 रुपये के जी आते हैं, वो 8 से 10 पीस फूलने के लिए दे दें। और थोड़ा सा 10 से 15 दाना सोयाबीन का दाना जो सादा सादा होता है, ठीक है, ये आपको दे देना है। तीनों धो के अच्छी तरह से फूलने के लिए दे देना है। और मॉर्निंग में जैसे आप सुबह में उठते हैं सो के, आपको सबसे पहले पानी पी लेना है, ठीक है, क्योंकि धो तो पहले से दिए साफ सुथरे हैं, वो जो पानी बचा है उस पानी को पी लें। फिर फ्रेश हो लें, फ्रेश होने के बाद आप रनिंग के लिए चले जाएं। और रनिंग करने से पहले आपको नॉर्मल जो एक्सरसाइज होता है जैसे ऐसे ऐसे करके छलांग करना, ठीक है, अपने हाथों को ऐसे झुक के और ऐसे ऐसे करना, ठीक है, उसके बाद सपाप डिप्स वगैरह थोड़ा सा लगा के शरीर को अपना हीट कर लें और रनिंग एकदम दबा के करें आप, ठीक है। और रनिंग में जहां से सांस लो, मुंह नाक हर जगह से सांस लेंगे, सांस में कहीं कमी नहीं है, लेके रनिंग करके आए। और वो जो चना मैं आपको बताया वो गुड़ के साथ में, नहीं तो थोड़ा सा नमक के साथ में चबा चबा के खाना है, ठीक है। उस चने को लगभग आपको 15 से 20 मिनट एकदम चबा चबा के खाना है। और जब वो चना खाएंगे कसम से एकदम गर्दा उला देंगे आप, गर्दा। आप घोड़ा को देखते हैं ना, टमटम वाला जो ले जाता है 4-5 सवारी को लोड करके, साला एकदम टान रहा है, घिंच रहा है, कहीं कुछ नहीं, गाड़ी उड़ी कुछ नहीं दिखा रहा है, घिंच रहा है, वो क्या खाता है, वो चना खाता है। तो एकदम वैसे देसी एकदम जो है नुस्खे से आप एकदम घोड़े की जैसी ताकत ला सकते हैं। और स्टेमिना की तो बात ही मत कीजिए, ठीक है, एकदम गर्दा फाड़ दीजिएगा आप, समझे। देखिए भाई मैं बता रहा हूँ देसी नुस्खा, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो महाकाल का भक्त भाई जैसा आपको जो है मैंने बता दिया, ठीक है, एकदम चढ़िया आके एकदम खाइए और महाकाल पर विश्वास रखिए। और बस वीडियो अच्छा लगे तो जो आपका रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे एकदम दबा दीजिए, एकदम दबा के तोड़ दीजिए। और सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, कुछ जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट में करें, आप बेहचक आपको जवाब देंगे, तुरंत 5 घंटे के अंदर जवाब देंगे। चलिए, आप सबों की सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।